नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीएमई विद्या चैनल पर। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र सिंह। एक झलक दी थी मैंने आपको पिछले सेशन में कि हम यहां पर अब पढ़ के मैथ और उसमें हम ये जानेंगे कि हाउ मेनी स्क्वायर्स, कितने सारे वर्ग हैं, और उसकी उसको बताने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। मैथमेटिक्स का ये सब्जेक्ट है ऑफकोर्स, तो आपके कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी अगर हैं तो आप भेज सकते हैं, हमारे मेल पर भी भेज सकते हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर 1800 111 2 6 5 1800 111 2 1 9 9। मेल कर सकते हैं कहाँ, ciet.kishormunch@gmail.com पर। और लाइव इंटरेक्शंस प्रोग्राम से अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं तो फिर NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। ये तो थी कुछ एक सूचनाएं जहां पर आप हमारे साथ रूबरू हो सकते हैं कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए। चैप्टर 3 हाउ मेनी स्क्वायर्स, ये है आज का हमारा टॉपिक। अब समय हो चला है अपने एक्सपर्ट को इन्वाइट करने का। प्लीज़ वेलकम मिस कोमल, JPF, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, दिल्ली NCERT। स्वागत है। शुक्रिया, शुक्रिया धर्मेंद्र जी। तो कितने सारे वर्ग आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं क्लास कक्षा 5 के इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये वर्ग की जो स्क्वायर की जो यात्रा है बड़ी रोचक होनी चाहिए। बिल्कुल, हम बिल्कुल प्रयास करेंगे अपना इस यात्रा को रोमांचक बनाने के लिए। तो जैसा कि बच्चों धर्मेंद्र जी ने आपको बताया कि हमारा आज का टॉपिक यानी कि विषय है हाउ मेनी स्क्वायर्स, कितने वर्ग। तो बच्चों जैसा कि चैप्टर के नाम से ही समझ में आता है कि इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर्स के अराउंड। पर हम स्क्वायर्स के अराउंड क्या डिस्कस कर सकते हैं, तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलिए चलते हैं अपने सेशन की ओर और शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग गेम से। तो इस गेम के लिए हमें जरूरत होगी एक स्क्वायर ग्रिड की, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रखी हुई है। इसके अलावा हमें जरूरत होगी कुछ शेप्स के कटआउट्स की, तो वो कटआउट्स भी हमारे पास हैं, कटआउट सी, बी एंड ए। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कटआउट ए से। तो बच्चों आप सब बताइए इस शेप को देखकर कि इस शेप का नाम क्या है। धर्मेंद्र जी आप बताइए। रेक्टेंगल। एब्सोल्युटली राइट, इस शेप का नाम है रेक्टेंगल। तो बच्चों आप अपने आंसर्स क्विकली कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, और बाय चांस अगर आपके आंसर्स गलत होते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बंच ऑफ क्वेश्चंस हैं आज के लिए और आपको बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं जहां पर आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस गेम में। इसके लिए मुझे रिक्वायर्ड था एक पजल, स्क्वायर ग्रिड, और इसके अलावा मुझे एक शेप का कटआउट चाहिए था जिसका नाम है रेक्टेंगल। तो बच्चों इस गेम के अकॉर्डिंग मुझे ये कटआउट रखना है इस स्क्वायर ग्रिड के नीचे, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। अब मैं इस स्क्वायर, इस रेक्टेंगल की बाउंड्री को आउटलाइन करने वाली हूं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ब्लैक मार्कर की मदद से। तो जैसे ही मैंने इसको आउटलाइन कर दिया, मैं ये शेप साइड कर देती हूं, और अब हम देखते हैं कि इस बाउंड्री की लेंथ कितनी है। तो बच्चों ये ग्रिड है स्क्वायर ग्रिड, इसका मतलब ये बहुत सारे स्क्वायर से मिलकर बनी हुई है, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर स्क्वायर की ईच साइड का मेजरमेंट यानी कि माप है 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्या मैं इस शेप का पेरीमीटर यानी कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री का माप ले सकती हूं? इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप रोप यानी कि रस्सी की मदद से इसकी बाउंड्री की लेंथ का पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप रूलर यानी कि स्केल, फुट्टा जिसे हम लोग बोलते हैं, आप उसकी मदद से भी इसकी बाउंड्री की लेंथ पता कर सकते हैं। पर बच्चों क्योंकि चैप्टर है हाउ मेनी स्क्वायर्स, इसका मतलब हमें स्क्वायर्स का कुछ ना कुछ तो यूज करना पड़ेगा बाउंड्री की लेंथ पता करने के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि हर स्क्वायर की ईच साइड का माप है 1 सेंटीमीटर, तो देखते हैं कि क्या हम ऐसे बाउंड्री की लेंथ पता कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए बच्चों मैंने काउंट करना स्टार्ट किया, ये लेंथ है 1 सेंटीमीटर, आगे बढ़ते हैं 1 सेंटीमीटर और, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, नीचे की तरफ जाते हैं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10, 11, 12, 13, 14। तो बच्चों हमें पता चला कि इसकी बाउंड्री की लेंथ है 14 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ये स्टेटमेंट मैं बार बार यूज कर रही हूं, इसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ एनी शेप। तो बच्चों यहां से हमें समझ में आता है कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री का मतलब है पेरीमीटर ऑफ द शेप। इसके अलावा मैंने ये देखा कि इस शेप में कितने स्क्वायर्स ऑक्यूपाई किए हैं स्क्वायर ग्रिड पे, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देखते हैं। ये रहा कटआउट, तो गिनना शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बच्चों आप भी गिनिए,
9, 10, 11, 12. तो मुझे समझ में आया कि इस कटआउट ने टोटल 12 स्क्वायर्स यानी कि 12 वर्ग इस ग्रिड पर ऑक्यूपाई किए हैं यानी कि घेरे हैं। तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी शेप यानी कि कोई भी एक शेप जितना भी स्पेस जितनी भी जगह स्क्वायर ग्रिड पर घेरती है उसे हम बोलते हैं उस शेप का एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो बच्चों अभी तक हमें समझ आ गया कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री को बोलते हैं हम लोग पेरीमीटर यानी कि परिमाप, और स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी शेप को हम लोग बोलते हैं एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो बच्चों मैंने जैसा कि आपको बताया था मेरे पास तीन स्क्वायर ग्रिड्स, मेरे पास तीन शेप्स हैं, अभी तक हमने सिर्फ एक कटआउट को यूज किया है, मेरे पास बी और सी कटआउट अभी बचे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कटआउट बी के पेरीमीटर और एरिया के माप को समझने की, पर इस बार मैं आपको आंसर्स नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे या फिर धर्मेंद्र जी हमें आंसर्स बताएंगे इस कटआउट के। चलिए तो ये है स्क्वायर ग्रिड, ये है कटआउट बी। तो बच्चों अगेन हमें पता करना है इसकी लेंथ ऑफ द बाउंड्री यानी कि इसकी बाउंड्री का माप कितना होगा। तो हम इसको वापस से आउटलाइन कर देते हैं फटाफट से ताकि उसके बाद हम इस शेप को यहां से हटा सके और हम इजिली कैलकुलेट कर सके। तो धर्मेंद्र जी देखिए और बताइए कि इस शेप का पेरीमीटर यानी कि परिमाप कितना है आपके हिसाब से। आई थिंक तीन यहाँ से होना चाहिए नीचे से, अगर हम इसको वहाँ पे 1, 2, 3 बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं है, बगल से हम देखें तो 4, ऊपर से फिर 3 और बगल से 4, 4, 4, 3, 3 मेरे हिसाब से। ओके तो बच्चों हम देखते हैं कि इसका जवाब क्या होगा, आपने क्या जवाब निकाला है वो भी देखते हैं। तो 1 cm + 2 cm + 3 cm + 4 cm + 5 cm + 6 cm + 7 cm + 8 cm + 9 cm + 10 11 और 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब कटआउट बी का लेंथ ऑफ द बाउंड्री यानी कि पेरीमीटर या परिमाप का माप है 12 सेंटीमीटर। ये था इसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर। क्या हम इसका एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं? तो बच्चों आप बताइए एरिया फाइंड आउट करने के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमें टोटल स्क्वायर्स काउंट करने हैं कितने होंगे, तो फटाफट से इसका स्क्वायर्स काउंट करिए और मुझे बताइए कि इस शेप का क्षेत्रफल यानी कि एरिया का माप क्या है। धर्मेंद्र जी यहां पर आप बताइए कि इसका माप कितना है एरिया का। आई थिंक बच्चे कोशिश कर रहे हैं और मेरे माप पे तो बिल्कुल बन जाना क्योंकि मेरा मैथ बहुत गड़बड़ है और अगर आप उससे सीखेंगे तो निश्चित रूप से मार्किंग आपकी कम हो जाएगी। लेकिन चलिए यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि इसका माप क्या है। आप इसके अंदर जो वर्ग बनाए हुए हैं, हाँ जी, आप ये मुझसे पूछते तो मैं आपको बेहतर बता देता कि एक्चुअली बच्चों धर्मेंद्र जी ने बोला कि अगर आप इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स मुझसे पूछती तो मैं आंसर कर सकता था, पर हमने अभी अभी डिस्कस किया कि एरिया यानी कि क्षेत्रफल का मतलब ही यही है कि हमें टोटल नंबर of squares यानी कि total number of वर्ग पता करने हैं उस कटआउट के अंदर। तो यहां पर अगर हम total number count करें तो कितना आएगा देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब इस शेप का एरिया यानी कि क्षेत्रफल है 9 square centimeter। तो बच्चों आप अपने आप को रेडी रखिए, और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। और अब क्वेश्चन है कटआउट सी से रिलेटेड, आपको याद है एक और कटआउट था। धर्मेंद्र जी इसका शेप बताइए क्या है। ये भी रेक्टेंगल है। एब्सोल्युटली राइट, ये भी एक रेक्टेंगल ही है। तो अब हम इस रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर का माप पता करने का प्रयास करेंगे। पर बच्चों क्योंकि ए और बी कटआउट के पेरीमीटर और एरिया हमने मिलकर निकाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कटआउट सी का एरिया और पेरीमीटर का माप आप अपने आप निकालें और बाद में हम इस सेशन के एंड में ये वापस से क्वेश्चन पिकअप करेंगे कि इसका पेरीमीटर और एरिया कितना है। चलिए फटाफट से स्क्वायर ग्रिड में देखते हैं कि इसकी बाउंड्री कितनी है ताकि आप लोग को आंसर्स रेडी करने में थोड़ा सा ईज हो। तो ये है इसकी बाउंड्री, मैं आउटलाइन कर रही हूं। तो ये इसकी बाउंड्री मैंने आउटलाइन कर दिया, कटआउट मैंने साइड कर दिया। तो अब इसमें फटाफट से मैं आपको गिन के बता देती हूँ कि कितने स्क्वायर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि 12 स्क्वायर्स हैं। तो बच्चों अब आपको फाइनली पता लगाना है कि 12 स्क्वायर से बनने वाला एक कटआउट जिसका नाम है सी, जिसकी शेप है रेक्टेंगल, उसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल
और पेरीमीटर यानी कि परिमाप का मेजरमेंट यानी कि माप क्या होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने सीखा कि पेरीमीटर और एरिया हम लोग तीन कटआउट्स का कैसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्क्वायर ग्रिड, जो ग्रिड मैंने अभी आपको दिखाई थी। पर क्या मैं ऐसे कटआउट्स के अलावा अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे एग्जांपल्स देखती हूँ जहां पर मैं एरिया और पेरीमीटर की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकती हूँ, या एटलीस्ट मैं इतना बता सकती हूँ कि दो ऑब्जेक्ट्स में से किसका एरिया ज्यादा होगा और किसका एरिया कम होगा। मेरे पास ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, देखते हैं आप बता सकते हैं या नहीं। तो ये मेरे पास हैं तीन नोट, इसमें से हम लोग पहले हटा देते हैं साइड 100 के नोट को, तो मेरे पास ये दो बचे 20 के नोट। तो बच्चों आप बताइए कि इन दोनों में से किसका एरिया ज्यादा होगा। चलिए लिख देते हैं इसे नोट ए और इसे लिख देते हैं नोट बी। तो आप मुझे फटाफट से बताइए कि नोट ए और बी में से किसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल ज्यादा होगा और किसका कम होगा। धर्मेंद्र जी आप बता सकते हैं? मुझे तो दोनों देखने में सेम लग रहे हैं। मैं एक्चुअली मैं न्यूट्रल हूं, मैं बोल दूंगा दोनों के एरिया मुझे लग रहा है समान ही है। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि इन दोनों का एरिया बिल्कुल सेम है। पर धर्मेंद्र जी आपको पता कैसे चला? क्योंकि हमने बच्चों इसमें स्क्वायर ग्रिड ड्रॉ नहीं किया, तो हमें कैसे पता चलेगा धर्मेंद्र जी कि इसका एरिया सेम है? देखिए दो जरिए हैं, एक तो आप अनुमान लगा सकते हैं, दो चीजों को आपने एक समान पटल पर रखा और उसके बाद आप लेंथ उसकी मेजर कर रहे हैं कि कोई भी आगे पीछे नहीं है, तो आई थिंक समान होने चाहिए लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। जब वो एक समान दिख रहे हैं तो डेफिनेटली वो समान ही होने चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। इसका मतलब अगर मुझे डे टू डे लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स हम यूज करते हैं उसका एरिया पता करना है कि किस ऑब्जेक्ट का एरिया ज्यादा है, किस ऑब्जेक्ट का एरिया कम है, तो मुझे जरूरत ही नहीं है उसके एरियाज की एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड आउट करने की। मैं ये पता लगा सकती हूं शायद ऐसे कि दो ऑब्जेक्ट्स को मैं ओवरलैप कर सकती हूँ, जो ऑब्जेक्ट्स ओवरलैप करे जा सकते हैं मैं उनको ओवरलैप करके पता लगा सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को 100% कवर कर रहे हैं। तो इससे मुझे पता चला कि दोनों नोट का एरिया यानी कि क्षेत्रफल बिल्कुल सेम है। इसी तरह से मुझे पता करना है 20 के नोट का और 100 के नोट का एरिया। अगेन हम लोग सिर्फ कंपेयर करने का ट्राई करेंगे कि किसका एरिया ज्यादा है और किसका एरिया कम है। और जैसा कि हमें धर्मेंद्र जी ने बताया कि ये दिखने में लग रहा है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, सेम विजुअलाइजेशन हम लोग हेल्प ले सकते हैं इन दो नोट्स को कंपेयर करने का। तो कैसे, फिर से ट्राई करते हैं दोनों नोट्स को ओवरलैप करने का। यहां जब मैंने दोनों नोट्स को ओवरलैप करा बच्चों, तो क्या आप देख पा रहे हैं कि 100 का नोट ज्यादा एरिया कवर कर पा रहा है इस व्हाइट शीट पर एज कंपेयर टू किसके कंपैरिजन में, 20 के नोट के कंपैरिजन में। तो यहां से मैंने ये डिड्यूस कर दिया कि 100 के नोट का एरिया ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, 20 के नोट के कंपैरिजन में। सिर्फ ये ही नहीं बच्चों, मेरे पास और भी ऑब्जेक्ट्स हैं, और अगले दो ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास कुछ ऐसी चीज जिनसे आप बहुत अच्छे से रूबरू हैं। तो पहली ऑब्जेक्ट है आपकी मैथ्स की बुक और दूसरा ऑब्जेक्ट है आपकी ही कक्षा की हिंदी की किताब। तो अब हम देखेंगे कि इन दो बुक्स का एरिया सेम है या किसी का एरिया बड़ा है या किसी का एरिया छोटा है, और कैसे देखेंगे, सेम प्रोसेस विजुअलाइजेशन की हेल्प से ओवरलैप करेंगे या फिर विजुअलाइज कर सकते हैं। जब ये दोनों बुक्स को मैंने एक दूसरे के ऊपर रखा तो इन दोनों का माप बिल्कुल सेम था, ये एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर रहे थे, जिससे मुझे ये समझ में आया कि इन दोनों का एरिया बिल्कुल सेम है। तो अब हमें यह नहीं पता कि मैथ्स की बुक का एरिया कितना है और हिंदी की बुक का एरिया कितना है, पर मुझे यह जरूर पता है कि दोनों किताबों का एरिया यानी कि क्षेत्रफल सेम है। इसके अलावा बच्चों हमने डिस्कस किया दोनों ऑब्जेक्ट्स के एरिया का, क्या मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स के पेरीमीटर यानी कि परिमाप डिस्कस कर सकती हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। सेशन की शुरुआत में अगर आपको याद हो मैंने आपको बोला था कि जरूरी नहीं है मुझे ऑब्जेक्ट्स का क्षेत्र, मुझे ऑब्जेक्ट्स का पेरीमीटर यानी कि परिमाप फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर ग्रिड की ही जरूरत हो। हम मदद ले सकते हैं रोप यानी कि रस्सी की, और हम मदद ले सकते हैं रूलर जो कि इजिली अवेल कर सकते हैं हम स्केल की हेल्प से। तो यहां पर आप स्केल की हेल्प से भी इस बुक का पेरीमीटर यानी कि परिमाप पता कर सकते हैं। सिमिलरली स्केल की ही हेल्प से आप अपनी मैथ्स की बुक का भी परिमाप पता कर सकते हैं। पर बच्चों क्योंकि दोनों का परिमाप, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल सेम है, क्या हम कह सकते हैं कि दोनों का परिमाप भी सेम होगा? क्या हम कह सकते हैं कि दोनों का परिमाप भी सेम होगा? तो इसका जवाब
आप रखिए अपने पास और कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हम लेंगे सेशन के एंड में इसका जवाब। चलिए बच्चों आगे मूव करते हैं। अभी तक हमने जितने भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया है और जितने भी शेप्स के बारे में डिस्कस किया है सारे थे रेक्टेंगुलर शेप्स, पर क्या हम डे टू डे लाइफ में रेक्टेंगुलर शेप्स के अलावा भी किसी और शेप को डिस्कस कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। बच्चों बताइए इस स्क्वायर ग्रिड का एरिया कितना है? तो आपको कैलकुलेट करना है इस स्क्वायर ग्रिड का एरिया किसकी मदद से? इसके अंदर स्क्वायर्स बने हुए हैं, आपको कैलकुलेट करने हैं कि टोटल कितने स्क्वायर्स हैं इसका एरिया पता करने के लिए। धर्मेंद्र जी आप ट्राई करेंगे? हाँ, इसमें गिन लेते हैं, अंदर सारे स्क्वायर ही हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक प्रश्न निकलता है, आई थिंक ये कुछ बच्चे हैं उनके जहन में जरूर होगा कि आपने पूरा एक रेक्टेंगल लिया हुआ है और अंदर सारे स्क्वायर्स बने हुए हैं, तो अंदर के तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं, मसलन 1 2 3 4 हमने 10 गिन लिया, चलिए हमारे पास 10 है उदाहरण की बात करते हैं, और जो ऊपर एक बना हुआ रहे कैन वी काउंट दैट एज ए स्क्वायर आल्सो और नॉट? जिसमें हेडिंग लिखा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, हाँ, एक जो भी हमने भी रेक्टेंगल देखा था स्क्रीन पे भी जो हम देख रहे थे उसको अगर हम दोबारा से देख पाए तो फिर मैं समझता हूँ कि एक प्रश्न यहीं से निकल रहा है। तो बच्चों देखिए कंफ्यूजन है या प्रश्न है वो मैं एक थोड़ा सा सॉल्व करना चाह रहा हूँ अपने बच्चों की तरफ से। ठीक है, एक कंप्लीट एक हम स्क्वायर यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर काफी सारे स्क्वायर बने हुए हैं छोटे छोटे, आप एक जो पूरा होलिस्टिक एक जो रेक्टेंगल बना हुआ है कैन वी काउंट दैट रेक्टेंगल एज ए स्क्वायर और नॉट? आप बताइए आपको क्या लगता है हम काउंट कर पाएंगे? देखिए ऐसा है कि प्रश्न मैंने पूछा वो मेरी तरफ ही उछाल लिया गया क्योंकि आप सेशन में बैठे हुए हैं, आपने डेफिनेटली डिस्कशन सुना है। जस्ट एक ट्राई कीजिए, हम दे सकते हैं आंसर। मेरे हिसाब से आई थिंक वो उसको काउंट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो एक आयताकार चीज है, यहाँ पर हम वर्क की बात करें। एग्जैक्टली, आपने खुद ही जवाब दे दिया, वेरी गुड, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स हमारे बच्चे भी समझ पा रहे हैं अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया। तो चलिए बढ़ते हैं स्लाइड की ओर। हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं। तो धर्मेंद्र जी अब आप काउंट कर सकते हैं स्क्वायर्स कितने हैं इसके अंदर? तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 तकरीबन इसमें होने चाहिए 20 to 25। ओके, तो बच्चों एक तरीका ये है कि इसके अंदर जितने भी स्क्वायर्स हैं आप एक एक स्क्वायर को काउंट करिए और पता लगाइए कि कितने स्क्वायर्स हैं। पर दूसरा तरीका, क्योंकि हम अब फिफ्थ क्लास में हैं, पांचवी कक्षा में हैं और हमें बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स भी पता हैं, तो हम थोड़ा सा स्मार्ट करेंगे कैलकुलेशन, और वो कैलकुलेशन ये होगी कि मैं काउंट करती हूँ नंबर ऑफ स्क्वायर्स रो वाइज, दैट मीन्स इस तरफ अगर जाएं तो कितने स्क्वायर्स हैं, कितने वर्ग हैं, वो मुझे मिले 5। और अगर मैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करती हूँ डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, मतलब नीचे की तरफ, तो मुझे नंबर ऑफ स्क्वायर्स मिलते हैं 4। तो 5 × 4 5 × 4 विल गिव मी 20। इसका मतलब इस रेक्टेंगल के अंदर टोटल 20 स्क्वायर्स हैं, एंड देयरफॉर इस रेक्टेंगल का एरिया बनता है 20 square centimeters। इस वजह से इस रेक्टेंगल का क्षेत्रफल बनता है 20 square centimeters। ये अब हम बहुत इजीली काउंट कर सकते हैं, हमें ये प्रोसेस बहुत अच्छे से पता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, सवाल ये है असली, तो इस सवाल में हम देख रहे हैं सेम रेक्टेंगल यूज हुआ है लेकिन इसके अंदर एक ट्रायंगल भी बना दिया। ट्रायंगल का कलर है ब्लू, धर्मेंद्र जी? जी, तो ट्रायंगल का कलर है ब्लू। अब सवाल ये है कि हमें आपको बताना है एरिया ऑफ ब्लू ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द रेक्टेंगल। इसका मतलब ब्लू ट्रायंगल का एरिया आपको बता दिया जाता है कि आधा है रेक्टेंगल के एरिया से। तो आप बता सकते हैं ब्लू ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? बच्चों आपको याद है रेक्टेंगल का एरिया हमने 20 यानी कि 20 स्क्वायर सेंटीमीटर पता किया था और ब्लू ट्रायंगल आता है आधा, तो बताइए 10 हो जाएगा ये, क्योंकि देखिए जो ब्लू लाइन ड्रॉ हुई है हमको वहीं पर ढूंढने की ट्रायंगल एक्चुअली बन कहा रहा है, शेप किधर की तरह, बाकी जो उस तरफ है वो तो स्क्वायर है। वेरी गुड, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से आपको भी सोचना है कि जब हमें रेक्टेंगल का एरिया पता है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है और हमें ये भी पता है कि ब्लू ट्रायंगल आधा है रेक्टेंगल से, तो हम 20 को भी आधा कर देंगे विच मीन्स 10, जिसका मतलब है 10 यानी कि 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास एरिया आ जाएगा ब्लू ट्रायंगल का। तो यहां से हमें यह पता चलता है बच्चों कि हम सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप्स का नहीं, हम कैसी भी शेप का एरिया और पेरिमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आप लोगों के लिए।
तो इस सवाल में आपके पास अगेन एक रेक्टेंगल है, लेकिन इस बार इस रेक्टेंगल को हमने दो रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया, तो मैंने कलर कर दिया इस रेक्टेंगल को, एक बना दिया ऑरेंज रेक्टेंगल, संतरी रेक्टेंगल, और एक मैंने बना दिया ग्रीन यानी कि हरा रेक्टेंगल। लेकिन मुझे पता करना है इस रेड ट्रायंगल का एरिया। तो बच्चों यहां से एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है कि रेड ट्रायंगल आधा स्पेस कवर कर रहा है ऑरेंज रेक्टेंगल में और आधा स्पेस कवर कर रहा है ग्रीन रेक्टेंगल में। ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैंने आपको बताया, ये आपको इसलिए पता चला, अभी आपको और आगे नहीं सोचना। तो यहां पर आप मुझे बताइए ऑरेंज रेक्टेंगल का एरिया क्या है, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि आप लोग इस बार मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स यूज करके ही बताएंगे मुझे। तो बताइए एरिया ऑफ ऑरेंज रेक्टेंगल कितना होगा? देखिए आदर्श आर्य जी ने जवाब दिया है 6। ओके, तो जान लेते हो सही है गलत है, हम देखते हैं, चलो बाद में इसको देखेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर ऑरेंज रेक्टेंगल में अगर आप रो वाइज मूव करेंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में अगर आप मूव करेंगे, तो आपको मिलेगा 1, 2, 3 रेक्टेंगल्स, 3 स्क्वायर्स। और अगर आप डाउनवर्ड्स मूव करेंगे, मतलब नीचे की तरफ मूव करेंगे, तो आपको मिलेगा 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 रेक्टेंगल। तो 4 × 3 होता है 12, इसका मतलब टोटल 12 स्क्वायर्स हैं ऑरेंज रेक्टेंगल के अंदर। तो ऑरेंज रेक्टेंगल का एरिया हो गया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बच्चों, अभी तो हमें ग्रीन रेक्टेंगल का भी एरिया फाइंड करना है। सेम प्रोसेस, मैं मूव करूंगी हॉरिजॉन्टली 1, 2, और मैं मूव करूंगी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, मतलब नीचे की तरफ 1, 2, 3, 4। तो 4 × 2 यानी कि 8 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाता है ग्रीन रेक्टेंगल का एरिया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, रेड ट्रायंगल आधा स्पेस कवर कर रहा है ऑरेंज रेक्टेंगल में और आधा स्पेस कवर कर रहा है ग्रीन रेक्टेंगल में, और दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया भी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि टोटल एरिया कितना होगा? कोशिश कर रहे हैं बच्चे। 12 है ऑरेंज रेक्टेंगल का एरिया, 8 है ग्रीन रेक्टेंगल का एरिया, और दोनों को आधा आधा करना है। तो 12 का आधा होता है 6 और 8 का आधा होता है 4। तो 6 × 4 हो गया 10, इसका मतलब 10 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया आ गया इस ट्रायंगल का। इसके अलावा बच्चों, अब यहां पर हम दो बच्चे हैं, आरिफ और मीनू। तो ये दो बच्चे डिस्कस कर रहे हैं रेक्टेंगल्स और एरिया और पेरीमीटर का टॉपिक। तो मीनू ने आरिफ से सवाल पूछा कि मैंने ये दो स्ट्रेट लाइंस यानी कि सीधी भुजाएं ड्रॉ करी हैं इस ग्रिड पर, क्या तुम इसको कंप्लीट कर सकते हो? आरिफ ने फटाफट कहा, हाँ मैं तो बहुत जल्दी से इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। मीनू ने कहा, अरे रुको रुको, सिर्फ इसको कंप्लीट नहीं करना, थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है इसको कंप्लीट करते हुए। तो आरिफ ने पूछा, बताओ मुझे किन बातों का ध्यान रखना है? तो मीनू ने कहा, पहली बात कि जो भी फिगर बनेगी कंप्लीट, जो भी तैयार होकर मेरे पास शेप आएगी, आकृति आएगी, उसका एरिया होना चाहिए 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि मुझे क्षेत्रफल 10 स्क्वायर सेंटीमीटर ही चाहिए। दूसरी बात का तुम्हें यह ध्यान रखना होगा आरिफ, कि तुम सिर्फ दो स्ट्रेट लाइंस यानी कि दो सीधी रेखाएं ही ड्रॉ कर सकते हो इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए। तो बच्चों, दूसरी फिगर जो आप देख रहे हैं, आरिफ ने 10 स्क्वायर सेंटीमीटर की इस शेप को बना दिया, और देखिए आपने कि उसने सिर्फ दो लाइन सेगमेंट्स, दो स्ट्रेट लाइंस का ही मदद लिया है। तो यहां पर मीनू क्वेश्चन करती है कि क्या मेरे पास कोई और भी तरीका है इसको कंप्लीट करने का? आरिफ ने कहा, हाँ बिल्कुल एक और तरीका है। तो मीनू ने कहा, बता दो मुझे वो भी तरीका। तो आरिफ ने कहा, ये एक और तरीका है इसको करने का। तो मीनू ने कहा, अच्छा मुझे समझ नहीं आया, इसका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे है? आरिफ ने कहा, रुको मैं तुम्हें बताता हूं कि इसका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे है। तो बच्चों, आरिफ मीनू को बता रहा है कि इसका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे है। हम यहां पे जानने का प्रयास करते हैं कि इसका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे है। तो इसके लिए बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है ग्रीन एरिया यानी कि हरा भाग इस फिगर का, और ये है ब्लू एरिया यानी कि नीला भाग इस फिगर का। तो सबसे पहले काउंट करना स्टार्ट करते हैं, ग्रीन एरिया कितना है यानी कि हरा क्षेत्रफल कितना है। तो ये है 1 स्क्वायर, ये है दूसरा स्क्वायर, पर बच्चों क्या हम यहां देख पा रहे हैं कि तीसरा तो आधा ही कलर्ड है, आधे में ही रंग भरा है, पूरे स्क्वायर में रंग ही नहीं भरा। तो ये आधा हो गया, ऐसे ही चौथा भी आधा ही है, पांचवा भी आधा ही कलर किया हुआ है, और
छठा भी आधा ही कलर किया हुआ है, तो टोटल कितने हो गए, 1, 2, आधा और आधा 3, आधा और आधा 4, इसका मतलब इसका एरिया हो गया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके अलावा हम लोग देखते हैं इसका एरिया कितना है, तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। बच्चों ये है आधे से ज्यादा, तो इसको हम लोग अज्यूम करेंगे पूरा का पूरा, ये है आधे से ज्यादा तो इसको भी हम पूरा ही अज्यूम करेंगे, और ये आधे से कम है तो ये दो हम लोग हटा देंगे, तो टोटल हमारे पास हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 जमा करके आ गया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। टोटल अगर आप इसको जमा करेंगे तो एरिया आ जाता है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मतलब आरएफ ने जो फिगर ड्रॉ किया था वो सही ड्रॉ किया था। क्या बात है, बड़ी लाजवाब यात्रा रही। इस समय यहाँ पर थोड़ा सा आड़े आ गया और मैं चाहता था कि इसको और भी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हम लोग, लेकिन क्या शानदार स्क्वायर हमने यहाँ पर देखे, पूरी आयताकार परिमाप सारी सारी चीज़ें जो हैं वो आई थिंक हो जानी चाहिए। बड़ी गणित तो खैर काफ़ी वीक है, मुद्दतें बीत गई पड़े हुए, लेकिन देखा टीचर ने जब समझाया, एक्सपर्ट ने, तो कितना आसानी से समझ में आया। दैट मीन्स कि अगर आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को, बारीकियों को, जो भी सटल्स हैं उनको अच्छे से आप अज्यूम कर पाएंगे, आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। समय यहाँ पर हमारा समाप्त हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे थे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए। अगला जो सेशन है वो है साइंस का, बॉडी मूवमेंट्स पार्ट सेकेंड। स्टे ट्यून्ड।